अल्लाह के बंदो डस्टबिन यूज़ किया करो यार, एक वेस्ट बिन लगा हुआ है फिर भी इसमें से चीज़ें बाहर। हाँ जी बच्चों, किसका ये बलून रह गया यहाँ पे कल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम F9 पार्क इस्लामाबाद। आज से हमारा जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा अपना वेट लॉस करना है और थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना है, क्योंकि इस समर जो कमिंग समर है उसमें मेरा बहुत ही बड़े लेवल का प्लान है, जो कि अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये जो 3-4 महीने इसमें मैं रेगुलर रहूँ और मैं वॉक करूँ, मैं रनिंग करूँ और थोड़ा सा अपने स्टेमिना को जो है रीगेन करूँ और अपने आप को फिज़िकली थोड़ा सा मज़ीद एक्टिव करूँ, स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि जो मेरा फ्यूचर का प्लान है उसको हम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। आज है जी 22 दिसंबर 2023 और आज से हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। F9 पार्क डेली बेसिस पे यहाँ पे मैं रनिंग और वॉकिंग किया करूँगा इंशाल्लाह। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पहला दिन था, लेट हो गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता मैं रूटीन पे आ जाऊँगा तो मैं जल्दी आया करूँगा। सो अभी जी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप लोगों को सीन्स भी दिखाऊँगा। व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है एक चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है तो आप लोगों को भी मैं साथ साथ इन्फॉर्म करूं। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ तो मैं अपलोड करता रहता हूं, अपडेट होती रहती है, लेकिन जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, ताकि उनको भी ये अपडेट मिलती रहे। हसीन नज़ारे हैं सुबह सुबह के और वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है यहाँ पर। बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, उनकी आवाज़, सारा कुछ, तो सारे सीन्स जो है इंशाल्लाह हम साथ में इंजॉय किया करेंगे। तो चलें जनाब, बिना देर की अपनी रनिंग एंड वॉकिंग स्टार्ट करते हैं। चेक दिस आउट, 8:44 हो चुके हैं और 22 दिसंबर मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट। 0 किलोमीटर्स और स्टार्ट करने लगे जी यहाँ से। देखते हैं आज हमने कितनी ट्रैकिंग करनी है। कोई टारगेट मैंने सेट नहीं किया, आज हम बिना टारगेट के चलेंगे और कल से ऑनवर्ड जो है हम अपना टारगेट सेट करेंगे। चेक आउट स्काई, उफ कितने मज़े की इसके ऊपर जो है ना आर्ट चेक करें यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो डस्टबिन यूज़ किया करो यार, एक वेस्ट बिन लगा हुआ है फिर भी इसमें से चीज़ें बाहर। यह जनाब मेरा ट्रैक जिसमें मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ और ये चेक करें, ये ड्राई हो चुकी है कम्प्लीटली। एक छोटा सा वाटर पॉन्ड बना हुआ है जिसमें गर्मियों में बहुत ही मज़े का पानी होता है और बड़ा खूबसूरत नज़ारा आता है। यह ट्रैक जी F10 की गेट से मैं एंटर हुआ, मुझे गेट नंबर तो नहीं याद कौन सा है, लेकिन F10 वाले गेट से मैं एंटर हुआ। तो डेली बेसिस पे हम ट्रैक्स चेंज भी किया करेंगे और देखते हैं जी आज का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गए और सीन्स चेक करें मॉर्निंग के। ओह यहाँ से सूरज आ रहा है, चेक दिस आउट। बादलों के पीछे से सूरज सामने आना शुरू हो गया। एंड दिस इज़ द ट्रैक, इस तरफ से मैं आया हूँ और ये अब एक यू शेप में जा रहा है और इसी ट्रैक से मैं वापस जाऊँगा। इस तरफ मैं अगर निकलता हूँ आगे तो ये फिर वो PF वाला गेट आ जाएगा जो मेन गेट है इस पार्क का। थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ कुछ मोनूमेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें बनी है, वो भी साथ साथ आपको दिखाऊँगा और फिर इस ट्रैक से हम आगे की तरफ निकलेंगे। स्टे ट्यून्ड। मुझे नहीं पता गुलाब का कौन सा सीज़न होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में F9 पार्क के इकलौते गुलाब हैं। मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आए, सिर्फ इस जगह पे थोड़े से नज़र आए हैं। और इनका कलर भी देखें, टाइगर वाला है, ऑरेंज गुलाब। my goodness. फर्स्ट पुश दिया है मैंने खुद को रनिंग का. We will do it inshallah, inshallah. So great. So far so good. Okay जी, तकरीबन 3 किलोमीटर मैंने चल लिया है और so far it's so good. काफ़ी मज़ा आ रहा है. अब मेरी बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स हो गई है, ना कोई ठंड लग रही है, ना ही किसी किस्म की कोई ब्रीदिंग का इशू हो रहा है. आई एम टोटली रिलैक्सड और दिमाग भी काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आना स्टार्ट हो चुके हैं. सो ये फ़ायदा होता है वॉक करने का. Day 1 से इसके जो है ना इफेक्ट नज़र आना शुरू हो चुके हैं. सुभान अल्लाह, कितनी पीसफुल जगह है यार ये. चेक करें, सो ब्यूटीफुल यार. कंप्लीटली रिलैक्सेशन है, पीसफुल है, काम है. पता नहीं आपको नज़र आ रहा है शायद, ये मेरे पीछे काफ़ी मज़े के दरख्त लगे हैं और पूरे इन ट्रैक्स पे ना ये छोटे छोटे इस तरह के दरख्त लगे हुए जो कि बहुत ही मज़े का ना एक वाइब दे रहे हैं. बिल्कुल छोटे छोटे एक ही साइज़ के हैं और फुल ग्रीन हैं और बिल्कुल स्ट्रेट उनका तना. काफ़ी मज़े के लग रहे हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, चेक दिस आउट. ये देखिए, ये वाले दरख्त मैं कह रहा हूँ, वो एंड तक ऐसे ही जा रहे हैं लाइन में. और ये क्लोजअप दिखाऊँ, ये देखिए नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हैं और ये सारे इस ट्रैक पे वहाँ तक जो है ना यही दरख्त लगे हुए हैं. ये देखिए सारे. चेक दिस आउट. आसमान के कलर्स चेक करो यार. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. हाँ जी बच्चों, किसका ये बलून रह गया यहाँ पे कल. ये चेक करें, किसी बच्चे का ये यहाँ पे रह गया. और इसके ऊपर चेक करें यार, ये देखिए पानी पूरी रात ही यहाँ पे पड़ा रहा है ना. जिसका है यहाँ से आके ले जाएं, या आप F9 वाले गेट से आएंगे जो वाटर पॉन्ड है उसके साथ साथ ट्रैक करेंगे, आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा. जस्ट किडिंग यार. चलें जी, मेरा 1 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है. आज मैंने सिर्फ टाइम के हिसाब से रखा था कि मैंने 1 घंटा जो है वो वॉकिंग एंड हल्की फुल्की रनिंग करनी है, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करने के लिए. 9:41 हो गए हैं. 9:08:45 पे स्टार्ट किया था तो वापस जाने तक तकरीबन 10 बज जाएंगे. घंटा पूरा हो जाएगा और 3.5 किलोमीटर्स हो चुका है. थोड़ा सा और हो जाएगा तो तकरीबन 3.7 या 3.8 किलोमीटर्स आज हमने किया है. चलते हैं जी वापस बाइक की तरफ और फिर निकलते हैं जी ऑफिस. काम शाम भी तो करना है ना, काम के बिना भी तो सीन नहीं चलेगा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सो फ्रेश, सो रिलैक्स और इंशाल्लाह इससे कंटिन्यू करेंगे. और आप लोगों ने साथ देना है, मोटिवेट करना है. कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ मोटिवेशनल कोट्स वगैरह शेयर करें मेरे साथ ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छा करूँ. आज हमने 3.8 किलोमीटर किया है, कल 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर करेंगे. क्योंकि आज Day 1 था तो थोड़ा सा मैं देख रहा था कि किस तरह मेरी बॉडी रिएक्ट करती है. सो इंशाल्लाह कल से बेहतर होगा. चलते हैं ऑफिस में, ब्रेकफास्ट भी करना है. ऑफिस ही जाके कुछ देखते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके जी, मैं वापस आ चुका हूँ अपनी पार्किंग में बाइक के पास. और बाइक की स्पीड चेक करो, मैंने 3.8 बोला था एंड फाइनली 4.3 किलोमीटर्स हो चुके हैं. दिस इज़ आवर टाइगर. ओके जी, इसमें ओपन करते हैं बॉक्स को और ये वाला बॉक्स ही मैं यूज़ कर रहा हूँ. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी ने लेना हो तो आप चेक कर सकते हैं. ये बहुत कुछ मैंने इसके अंदर भरा हुआ है. ये आ गई हमारी जैकेट जो कि अभी ऊपर पहननी है. हेलमेट इसके अंदर चेक कर सकते हैं आप, कैपेसिटी भी इसकी कितनी अच्छी है. हेलमेट भी अंदर पड़ा हुआ है एंड चेक करें सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है. पानी मैं भी नहीं पीऊँगा, गिलास में निकाल लेता हूँ. एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी ज़रूरत है. हेलमेट निकालते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ये चीज़ें करते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस. ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैक टू ऑफिस, फ्रेश हो गया हूँ और अभी नाश्ता करने लगा हूँ। और नाश्ते में मैं क्या कर रहा हूँ दिखाता हूँ। ओके जी, नाश्ते में मेरे पास है एक पराठा है जिस पे मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं लगवाया, खुश्क पराठा जिसको बोलते हैं। साथ में मेरा हाफ फ्राई एग है और माय फेवरेट थिंग चाय। और इन द मीन टाइम मैंने साथ में पीसी ऑन कर लिया है। ये कुछ सेटअप है मेरा जी। और फाइनली आज आप लोगों ने ये भी देख लिया और इसमें मैं ज़रा साथ साथ कुछ देखूंगा, अपने चैनल को भी चेक करूंगा एंड एवरीथिंग। सो नाश्ता करते हैं जी और उम्मीद करता हूँ जी मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं जिस पर्पस के साथ स्टार्ट लिया है तो मैं इसको पूरा कर सकूं। पहले भी मैंने कहा है मोटिवेशनल कुछ भी मोटिवेट करने के लिए आप लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। मैं पढ़ूंगा, मैं कमेंट करूंगा और नेक्स्ट व्लॉग में मैं फीचर भी करूंगा कि मुझे कितने आपके कमेंट ने एक किस्म की मोटिवेशन दी है, अप्रिशिएट किया है। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफिज़।